नमस्कार साथियों, आज आपको प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये प्राचीन काल से ही अपने आप ही जमीन से शिवलिंग जी प्रकट हुए थे। आओ आपको अंदर दर्शन कराते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं शिव मंदिर में, शिव भगवान के आपको दर्शन करवाते हैं। आज आपको दिखाते हैं यहाँ पर शिवलिंग टेढ़े आकार में है। आप पुरानी परंपरा है यहाँ पर, वो आपको आगे हरनीत जी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज आपको मानिक टावरा शिव मंदिर के दर्शन करवाए जा रहे हैं। ये यहाँ पे शिवलिंग है, बहुत ही पुराने टाइम की का इतिहास है इसका। बताया जाता है कि जैसे लोग बताते हैं कि यहाँ पे शिवलिंग निकला था तो दो हाथियों से के जोर के द्वारा इसको निकालना भी चाहा पर वो नहीं निकला, तो फिर यहाँ पे इसी जगह पे शिव मंदिर बना दिया गया था, जैसे कि पुराने लोगों से हम सुनते हैं। तो अब दोबारा इसकी रेनोवेशन हुई है, बहुत ही अच्छी तरह से मंदिर तैयार हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। आप आपको सारे मंदिर के दर्शन करवाते हैं। बहुत ही प्यारा बनकर तैयार हुआ है। देखिए यहाँ पे मूर्ति स्थापना की गई है शेरावाली माता। इसके बाद राधा कृष्ण जी की, बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति है, और इस साइड दिखाते हैं आपको सीता, राम लक्ष्मण और सीता मैया की, साथ में अपने हनुमान जी विराजमान हैं। गणेश जी की बहुत ही प्यारी मूर्ति, सच में दोस्तों बहुत ही प्यारा मंदिर मिलकर तैयार हुआ है। ये देखिए बाहर से तस्वीर मंदिर की, साथ ही साथ शनि जी महाराज विराजमान है। देखिए शनि जी की मूर्ति, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो
बहुत ही पुरानी कुवी, बहुत ज़्यादा ही पुरानी, शुरू से ही है शायद। बहुत ही ठंडा पानी है इसका। इससे पानी निकालते हैं ना। मामा जी अपने सेवादार यहाँ पे दूसरी साइड का मंदिर है दोस्तों। माता शेरावाली की मूर्ति नंदी जी महाराज भी बैठे हुए हैं। शिव जी की मूर्त साथियों, आम्बों के बहुत पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ही छाया अच्छी है, बहुत ही शांति फील हो रही है कि आम का बाग है यहाँ पे, बगीचा है। ये बाबा जी का विश्राम स्थल है, रसोई छोटे से टाइप में। बहुत ही शांति फील हो रही है। आप भी जैसे मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मैं आपको बता पा रहा हूँ। देखिए आराम करते हैं, बहुत ही अच्छा मंदिर बनके तैयार हुआ है। आपको इसका साइड व्यू दिखाते हैं। पीछे की तरफ से, जैसे कि आप देख पा रहे हो, साइड की तरफ से, सॉरी, हाँ जी साथियों, हमने पहले आपको शिव मंदिर दिखाया है और अब दिखा रहे हैं बाबा बालकनाथ जी का मंदिर। ये मेन रोड के ऊपर है और यहाँ जो भी अपनी मनोकामना, जिसके दिल में जो भी वो मांगता है उसकी पूरी मनोकामना होती है। और उसके बाद यहाँ पर आकर वो
प्रसाद वगैरह बांटते हैं। यहाँ इसको बोलते हैं पंबुल्ला वाला। यहाँ एक काफी बड़ा तालाब है जिसकी मनोकामना पूरी होती है, उसमें से फिर वो मिट्टी निकलवाते हैं। ये दर्शन करें हनुमान जी के, वो सारा व्यू आपको दिखाएंगे वीडियो में। और आए हमारे साथ, आपको कराते हैं बाबा बालकनाथ जी के दर्शन। देखें भव्य मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है और लाइटिंग हो रही है। दर्शन करें बाबा बालकनाथ जी के। बाबा जी आप सब पर अपनी कृपा बना के रखें, सबकी मनोकामना पूरी करें। बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं इस मंदिर में। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। वीडियो हमारे साथ बने रहें, आपको सारा व्यू दिखाते हैं। ये मंदिर है, देखें कितनी सुंदर लाइटिंग। और इधर सारे देव देवताओं के पूजा कर रहे हैं। ये इधर कमरे वगैरह बने हुए हैं। ये है पंबुल्ला वाला तलाव जिसकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ से फिर इस तलाव से मिट्टी वगैरह निकालते हैं। पहले तो यहाँ बहुत पानी होता था जब हम छोटे होते थे, अब तो पानी नहीं है, सूख चुका है। पंबुल्ला वाला नाव से बहुत मशहूर है, इसमें बहुत फूल भी होते थे जब पानी होता था। देखें बहुत ही बड़ा तलाव, बहुत ही सुंदर दृश्य। बहुत ही हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं साथ में। ये मंदिर से काफी नीचे उतर कर है और देखिए लगभग 10-15 पौड़ियां नीचे उतर कर है मंदिर से। अब हम ऊपर जा रहे हैं। ये बाबा जी आ गए हैं, अपना जोत बत्ती वगैरह कर रहे हैं। ये अपना शिव भगवान के दर्शन करें। ये नंदी जी विराजमान, हनुमान जी, और ये पानी का कूलर लगा हुआ है। और अंदर आपको धूड़ा दिखाते हैं, ये धूड़ा लगा हुआ है। और यहाँ से प्रसाद के रूप में बाबा जी देते हैं प्रसाद। बहुत ही सुंदर दृश्य।